दोस्तों ये उर्दू अदब और हिंदी साहित्य एक समंदर है और एक ऐसा समंदर है जिसके अंदर न जाने कितने नगीने दफन है और उसकी समंदर की गहराई में एक से बल्कि एक उर्दू अदब और हिंदी साहित्य का नगीना है और बेहतरीन अशार कहने वाले बेहतरीन कलाम कहने वाले पूरे समंदर में ये छाए बिछाए हैं। लेकिन अगर इसी तरीके की इसी उर्दू अदब हिंदी साहित्य के समंदर से अगर हमें गजलें लानी हो और आप तक पहुंचाना हो तो हमें सब इंतखाब करना पड़ेगा एक सफीना का, एक सफीना बुलाना पड़ेगा और सफीने के जरिए हम आप लोगों तक वो पहुंचाएंगे। लेकिन परवीन शाकिर ने कभी ये कहा था कि कैद में जो गुजरेगी, याद रखिए परवीन शाकिर सरहद के उस पार की शायरा है और हम लोग सरहद के इस पार रहते हैं और सरहद के उस पार की शायरा पे जब हिंदुस्तान का रंग पड़ता है तो सरहद के उस पार की शायरा कहती है कि कैद में जो गुजरेगी उम्र बड़े काम की थी, कैद में जो गुजरेगी उम्र बड़े काम की थी, पर मैं क्या करती कि जंजीर तेरे नाम की थी। ये हवा कैसे उड़ा ले गई अचल मेरा, यूं सताने की आदत तो मेरे घनश्याम की थी। दोस्तों अक्षिता सफीना और शुक्रिया अक्षिता सफीना से हम गुजारिश करते हैं कि अक्षिता सफीना साहिबा यहाँ पे तशरीफ लाए। इनकी शायरी में मोहन की भी बातें होंगी, राधा की भी बातें होंगी, पैर में पड़े घूमरों की भी बातें होंगी और पैर में पड़ी जंजीरों की भी बातें होंगी। इन सब बातों को अगर हम इकट्ठा करें तो हमें यकीनन अक्षिता सफीना के हुजूर जाना पड़ेगा और उनसे गुजारिश करनी पड़ेगी इसी तरीके की बेहतरीन शायरी यहाँ सुनाने के लिए। आपको हम दावत देते हैं, बराए मेहरबान तशरीफ लाएं। सदर मोहतरम की इजाजत। करता है तू क्यों हुआ उस पर जो होनी खाक है, करता है तू क्यों हुआ उस पर जो होनी खाक है, रूह ने तो जिस्म की पहनी महज पोशाक है। करता है तू क्यों हुआ उस पर जो होनी खाक है, रूह ने तो जिस्म की पहनी महज पोशाक है, रक्स करती है तवायफ कब बताओ शौक से, रक्स करती है तवायफ कब बताओ शौक से, लुत्फ देने वाला उसको कह रहा नापाक है। लक्स करती है तवायफ कब बताओ शौक से, लक्स करती है तवायफ कब बताओ शौक से, लुत्फ देने वाला उसको कह रहा नापाक है। एक मतलब एक शेर और देखेंगी, जैसे सहरा के लिए अबरे रवा रखे गए, जैसे सहरा के लिए अबरे रवा रखे गए, मुझ पे भी वैसे ही दिल को के मकान रखे गए, और कैसी लाचारी है सागर से किनारे को यहाँ, कैसी लाचारी है सागर से किनारे को यहाँ, पास रख कर पास ले भी दर में आ रखे गए। और एक गजल, घर का रास्ता हर बाशिंदा बोलेगा, घर का रास्ता हर बाशिंदा बोलेगा, शाम शजर पर लौट परिंदा बोलेगा, और गर चुप रहकर आप तमाशा देखोगे, गर चुप रहकर आप तमाशा देखोगे, सर पर चलकर रोज दरिंदा बोलेगा, जब गर चुप रहकर आप तमाशा देखोगे, सर पर चलकर रोज दरिंदा बोलेगा, और उसकी हर एक बात सुनेगी ये दुनिया, उसकी हर एक बात सुनेगी ये दुनिया, जो भी हर एक बात चुनिंदा बोलेगा, करते हैं जो मुल्क से गद्दारी सुनने, करते हैं जो मुल्क से गद्दारी सुनने, खून का हर कतरा शर्मिंदा बोलेगा। एक और गजल, पहले दरो दीवार फिर परिवार पत्थर हो गए, पहले दरो दीवार फिर परिवार पत्थर हो गए, फिर यूं हुआ घर के सभी किरदार पत्थर हो गए, जब चंद टुकड़े भाइयों के आ गए हिस्से में तब, जब चंद टुकड़े भाइयों के आ गए हिस्से में तब, बनकर के भाई भाई हिस्सेदार पत्थर हो गए, चुपचाप कोने में खड़े बच्चे बहुत हैरान, चुपचाप कोने में खड़े बच्चे बहुत हैरान थे, आखिर क्यों आंगन में इकट्ठे यार पत्थर हो गए, घर के ही बाशिंदे बनेंगे अब पड़ोसी आज से, घर के ही बाशिंदे बनेंगे अब पड़ोसी आज से,
घर जो बटा तो घर के नातेदार पत्थर हो गए। जाने ये कैसी बद्दुआ बरसी भरे दरबार पर, जाने ये कैसी बद्दुआ बरसी भरे दरबार पर, राजा प्रजा दरबार पहरेदार पत्थर हो गए। और गम को गम हार कर लिया मैंने, गम को गम हार कर लिया मैंने, हाय क्या यार कर लिया मैंने, रात भर सोच कर तेरी हालत, रात भर सोच कर तेरी हालत, खुद को बीमार कर लिया मैंने, अब न टूटे सो एहतियातन ही, अब न टूटे सो एहतियातन ही, दिल को मुर्दार कर लिया मैंने, जब जला दिल तो अपनी आंखों को, जब जला दिल तो अपनी आंखों को, राग मधार कर लिया मैं सफीना थी इसलिए एक दिन, मैं सफीना थी इसलिए एक दिन, इश्क को पार कर लिया मैंने। और एक और गजल उसके बाद से मुझे तमाम आलम में सुना था, आलम में एक गजल एक मतलब हम अपने खानदान से आगे नहीं बढ़े, हम अपने खानदान से आगे नहीं बढ़े, यानी एक इम्तिहान से आगे नहीं बढ़े, मंजिल है जितनी दूर पे घर भी है उतनी दूर, मंजिल है जितनी दूर पे घर भी है उतनी दूर, हम अब भी दरमियान से आगे नहीं बढ़े, जिंदगी की राह में खतरात हैं, अब जिंदगी की राह में खतरात हैं बहुत, कह दो ये मेहरबान से आगे नहीं बढ़े, उसने सफीना बोले थे नजदीक आके जो, उसने सफीना बोले थे नजदीक आके जो, वो लफ्ज मेरे कान से आगे नहीं बढ़े। ये सफर का खत मिला रंगून से, ये सफर का खत मिला रंगून से, अश्क अब गिरने लगे हैं खून से, और सब कुतुब खाने तलाशी दे गए, सब कुतुब खाने तलाशी दे गए, और निकली शायरी परचून से, मुंह से नफरत की निकल जाएगी बू, मुंह से नफरत की निकल जाएगी बू, दांत मांजो नीम की दातुन से, और इस जहां में आप सा कोई नहीं, इस जहां में आप सा कोई नहीं, तो यही कहता है हर खातून से। सर्द है तब से सफीना उनका दिल, जब से वो आए हैं मेहरा दून से।